अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैमद हसन है और आप लोग देख रहे हैं सैमद हसन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है नेवर गिव अप। एक जंगल में तीन मेंढक रहा करते थे और उनका पूरा ग्रुप था, काफ़ी बड़ा मेंढक का ग्रुप था फ्रॉग्स का ना। तो क्या होता है कि वो एक दरिया के पास जाते हैं, नदी के पास, और उनमें से क्या होता है कि चार से पाँच मेंढक जो है ना वो दरिया के अंदर गिर जाते हैं। तो दरिया के अंदर गिर जाते हैं तो बाहर जो मेंढक बैठे होते हैं ना वो कहते हैं कि आप लोग तो इस दरिया से निकल नहीं सकते, इस गुफा में जिसमें भी आप फंसे हो इससे आप निकल नहीं सकते, तो आप तो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। तो वो क्या होता है कि कहीं से एक मेंढक जो है ना जो दरिया के अंदर गिर जाता है वो निकल जाता है, वो निकल जाता है तो दूसरे मेंढक जो अंदर मेंढक्स होते हैं ना उनकी तरफ वो रस्सी फेंकता है। रस्सी फेंकता है तो दरिया के अंदर जब वो रस्सी जाती है ना तो वो रस्सी एक एक करके तमाम मेंढक पकड़ लेते हैं और बाहर से निकल आते हैं। तो वो जो बाकी मेंढक होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि ये कैसे निकल आए। वहाँ से फिर न्यूज़ चैनल्स पर भी आ जाते हैं, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, AIY न्यूज़, समा न्यूज़ और City42, 24 न्यूज़, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल वाले आते हैं वो उन मेंढकों का इंटरव्यू लेते हैं जो कि दरिया से निकले होते हैं, और एक मेंढक जिन्होंने लीड किया होता है उन सबको दरिया से बाहर निकलने में, उनकी हेल्प की होती है, उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो पूछते हैं जो तमाम जर्नलिस्ट या एंकर्स या रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं कि भाई आपने सरदार जी कैसे इनको बाहर निकाला है। वो कहता है कि मेरे अंदर ना एक मोटिवेशन थी, कभी ना हारने वाली, कभी ना हिम्मत हारने वाली एक मोटिवेशन थी कि अगर आज मैं इनको बाहर निकालूंगा ना तो मैं दुनिया का कामयाब तरीन मेंढक बन जाऊंगा। उसके अंदर एक ये चीज़ जो है ना वो उसको इंस्पायर करती थी तमाम मेंढकों से। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक मेंढक होते हुए उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं इनको आज बचाता हूँ तो हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है या करंटली जो जनरेशन है वो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बन जाऊँ और वो मुझे इतना अच्छा समझें कि वो दुनिया में जो है वो कामयाबी हासिल करें और लोगों की हेल्प करना सीखें, मदद करना सीखें। देखें इंसान जो है ना वो जब ठोकर खाते हैं ना किसी भी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में तो उसके बाद ही वो इंसान बनता है, उसके बाद ही उसको लाइफ गुजारने का मज़ा आता है, ठीक है, उसको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। अब इस तरह तो आप अमीर घरानों में देख रहे हैं कि जनाब माँ बाप जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, उनके पास खूब पैसे हैं, कोई इनको मसला मसाइल नहीं है, और दूसरी जानब आप मिडिल क्लास या गरीब घरानों में देखें तो उनको बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, दिन भर उनको काम करने पड़ते हैं, दिन दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, जो हमारे मुल्क के हालात हैं आजकल के दौर में, तो वो लोग हिम्मत नहीं हारते। और जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसके लिए भाई एक मोटिवेशन की बात है कि अगर आप हिम्मत नहीं ना आएंगे आप दुनिया में कामयाब बन जाएंगे। एक बार कोशिश करें, दो बार कोशिश करें, नाकाम होंगे, तीसरी बार कोशिश करें, अपना एक माइंडसेट बना लें कि नहीं यार मैंने कामयाब होना है, मैंने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे वो ज़िंदगी की कोई भी फील्ड है, कोई रिलेशनशिप है, टीचिंग फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, या आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप अपना माइंडसेट बना लें कि नेवर गिव अप, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारनी, दुनिया मुझे जो मर्जी कहती रहे मैंने दुनिया की बात को सुनना नहीं है। हाँ अच्छी बातें ज़रूर सुने, अगर आपको कोई अच्छी सजेशन देता है, अच्छा मशवरा देता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में अपनी ज़ाती तौर पर जो आपकी शख्सियत है उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं तो उसकी बात ज़रूर सुने, लेकिन जो बुरे लफ्ज़ हैं ना काइंडली जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना उनको इतना डिग्रेड ना करें, जो इस मुल्क के लिए या अपने प्रोफेशन में सीरियस हैं, अपना काम लगन के साथ कर रहे हैं तो काइंडली उनको डिग्रेड ना करें। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई कामयाबी नहीं हासिल की ना तो दूसरे ने जो कामयाबी हासिल की है ना उसको अप्रिशिएट करें, या फिर आप एक तरफ हो जाएं, जो कामयाब लोग हैं वो एक साइड पर हो जाएं, जो नाकाम लोग हैं वो एक साइड पर हो जाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो जो कामयाब लोग हैं जो नाकाम होने वाले हैं उनको सजेशन दें कि हमने ऐसे कामयाबी हासिल की है, हमने ऐसे हिम्मत नहीं हारी, आपने भी हिम्मत नहीं हारी।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को नए आने वाले अपनी प्यार और मोहब्बत के साथ, और कमेंट करें, अपना नाम लिख के कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।